Fatida, die! Fatida, Fatida! Fatida, Fatida! भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए नीट की तैयारी कर रही सोनम शुक्ला को क्या पता था कि उनकी निर्मम हत्या कर दी जाएगी। बीते कुछ दिनों पहले सोनम शुक्ला की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर आज मौन आंदोलन किया जा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है गोरेगांव पश्चिम के आजाद मैदान में। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। आप ग्राउंड में देख सकते हैं, चारों तरफ सब महिलाओं के, पुरुषों के, सभी के अलग अलग तरह की लाइनें बनी हुई, उनके हाथों में मांगों को लेकर पोस्टर है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं। लिखा हुआ है, जस्टिस फॉर सोनम, फांसी दो हत्यारे को, फांसी दो। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते और जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है इस मांग को लेकर। सर क्या कहेंगे, कहाँ तक ये मामला पहुँचा, क्या कहना चाहेंगे? मैं सोनम शुक्ला का पिताजी हूँ। मुझे बहुत ही दुख है। हमारी मेहनत से रात दिन टैक्सी चला के बच्चे को यहाँ तक पढ़ाया लिखाया, और जिस तरीके से हत्यारे ने हमारी लड़की को मौत के कुएं में ढकेला है, मैं चाहूँगा कि उस लड़के को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाए, उसे फांसी की सजा हो। और मैं यही चाहूँगा कि ऐसे लोगों को समाज में जीने का कुछ भी हक नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, सरकार से, पुलिस की तरफ से क्या कहा गया, कहाँ तक ये मामला पहुँचा? पुलिस की तरफ से जब भी मैं पूछता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन चालू, ऐसा वो बोलते हैं, बाकी कुछ संतोषजनक जवाब नहीं देते। आरोपी पकड़ा गया है, उसने कबूल भी कर लिया है। इसमें पर कई लोग शामिल हो सकते हैं, पर एक जन को पुलिस ने भी पकड़ा है। तो सुना आपने, सोनम शुक्ला के पिताजी ने इस मामले को लेकर जानकारी दी। इसके अलावा कई महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इस मांग को। आंदोलन में आप मौजूद हैं, आपके हारे गए पोस्टर लिखा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है जस्टिस फॉर सोनम, क्या कहना है इस मांग को? हमको बस यही कहना है कि जैसे उसका निर्मम हत्या हुआ है सोनम शुक्ला का, वैसे जो दोषी है उसको सजा मिले, फांसी मिले। हम इसके लिए यहाँ पे आए हैं, उसको इंसाफ मिले, सोनम शुक्ला को इंसाफ मिले और हत्यारे को फांसी मिले। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते क्या कहना है आपका, कि जिस तरह से लड़कियाँ क्या सुरक्षित हैं? नहीं सुरक्षित, लड़कियाँ नहीं सुरक्षित है। सुरक्षित हो तो ऐसा थोड़ी होता कि किसी का वो फांसी दे करके बोरी में भर करके खाड़ी में फेंक दे, नाला में फेंक दे, और जो फेंकने वाला है उसको ऐसा कड़ी से कड़ी सजा मिले और फांसी मिले कि दूसरा करने से पहले सोचे कि ऐसा नहीं हम भी नहीं कर सके, नहीं तो हमारा भी यही होगा। उसका बहुत ही अच्छा लॉजिक था, और वो सोचती थी कि मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूं, और उसका मतलब कुत्ता था तो ज्यादा बहुत मतलब फ्रेंडली हो गई थी एनिमल्स में, तो उसका इलाज नहीं होता, तो वो बोली कि मैं अभी करके दिखाऊंगी और मेरे को फ्री में मतलब ये सब खोलना है, इलाज करना है। तो अपना पढ़ाई कर रही थी, बस उसका अभी पेपर होने वाला था। क्या वो कोई परेशानियों से जूझ रही थी या किसी से उनका झगड़ा होता? नहीं नहीं, उसका झगड़ा नहीं, वो हर लोग से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। अगर आप लोग से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप के मामले में बहुत अच्छी थी, और कोई भी काम बोलोगे तो वो कर। आखिरी बार आप मुझे जितने भी मीडिया कर्मी के भाई हैं, देने हैं, वो यहाँ पे आकर मतलब मूर्ति की व्यवस्था की गई है, उसको बैठो। उन्होंने कुछ बताया था? नहीं, बस ऐसी बात है। तो सुना आपने ये कि सोनम शुक्ला की सहेली, इनका कहना है कि वो एक साधारण और उसी से वही मिला देना दे, वो सिर्फ अपने भविष्य को लेकर तैयारी कर रही थी, नीट की पढ़ाई कर रही थी। इसके अलावा हम बातचीत करेंगे और भी लोगों से, उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर, कि युवा होने के नाते जिस तरह से लड़के पे आरोप लगा है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? I suppose, can I speak in English? Yeah, sure. I suppose these guys are really, really brainwashed. I mean, I am not sure कि कोई भी ऐसे सिर्फ झगड़ने से कोई एक लड़की को मार सकता है। अगर वो मार रहा है तो really he's a, I won't say he's a human being, okay? He's not just a human being, he's an animal. What do you think government can take in action? See, first of all, I suppose the government hasn't given proper response. Maybe they should go ahead and literally arrest him, and definitely he should be hanged. Because if they don't do any kind of action, this will go on, and this has been going on from since many times. So there should be a strict action, and I suppose a capital action as well. What do you think at present now in our country, girls are safe? How much percent do you like? I won't say that girls are safe. Not the way things are going on. I mean, I am not sure that. Who's responsible for that? Who's responsible? I suppose government. We can say that, because if they are not taking action, if they are not hanging these people, this kind of animals, it just
allows other people to do this. होने के नाते और एक आपके परिवार में कोई लड़की तो भी माता बहन बहन है छोटी बहन है खुद हूँ मैं चाहेंगे क्या महिलाएं सेफ हैं और इस तरह के हत्याओं को लेकर क्या कहेंगे महिलाएं तो बिल्कुल सेफ नहीं है मैंने अभी जस्ट यही चीज बोला है कि अगर ये ऐसे होते रहेगा बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ ठीक है गवर्नमेंट अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता रहता तो गवर्नमेंट आके बोलती है कि नहीं आप अपनी बच्ची को स्कूल भेजो कैसे भेजेगा यार माँ बाप ये सोचेंगे बेटी का मौत होने से अच्छा है कि बेटी अनपढ़ रहे कोई भी ये चीज सोचे कौन जिम्मेदार है क्या किसको ठहराती है ऑफकोर्स गवर्नमेंट और जो ये लड़के होते हैं चाहे वो हिंदू के रहे मुस्लिम के रहे माँ बाप की गलती है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो किसी के भी लड़के रहे माँ बाप को बेटियों को बोलते कोई माँ भेज सकती है अपनी बच्ची को आईसीएम में कोई माँ भेज सकती है बच्ची तो मूर्ख बन के रह जाएगी बच्ची मूर्ख है तो कोई माँ आप नहीं भेज सकती है सब बैठ के जैसा जेल के साथ सब माँ अपनी बच्ची को रखेगी इनडायरेक्ट वे में हमारे लिए नहीं क्रिएट किया जा रहा है इनडायरेक्ट वे में इन फ्यूचर लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा इसीलिए ऐसा किया जाता है अब आज वो उसका बाप आके यहाँ पे खड़ा है उसके सामने ये चीज बोला जा रहा है कि ये लव जिहाद का मैटर है वो उसका बाप क्या प्रूफ कर दोगे गवर्नमेंट इस चीज को प्रूफ कर इसकी तरफ से क्या कहा जा रहा है कहाँ तक मामला पुलिस की तरफ से केस को बहुत ही नॉर्मली वे में लिया जा रहा है लड़की गोरेगांव की है मिसिंग कम्प्लेन गोरेगांव में फाइल हुआ है मर्डर गोरेगांव में हुआ है लड़का गोरेगांव का है केस को ले जाके वर्सोवा पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो तुम लोग वर्सोवा किस तरह से आप लोग आज आंदोलन कर रहे हैं मौन आंदोलन अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्या वर्सोवा क्यों गया वर्सोवा ये केस क्यों गया हम ये चाहते हैं क्यों गया यहाँ चाहिए ठीक है अगर केस क्लियर ना हो तो आप समय ले इस चीज में जब केस क्लियर है तो ऑन द स्पॉट बोल रहा की मैंने मारा मैंने फांसी दिया तो इससे मतलब क्या है इससे क्या कर रहा है मतलब क्या लड़का खुद कर रहा है कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा अब देखा जाएगा उसके बाद आगे का डिसाइड करेंगे अभी आगे में, आज ये प्रदर्शन हमें यहाँ से गोरेगांव पुलिस स्टेशन तक करना था अक्की पुलिस स्टेशन यहाँ आके खड़ी हो गई जब उसके साथ वो चीज हो रहा था तो तुम लोग कहाँ थे उठा करके तुम लोग लेके गए चार घंटे तक तुम लोग ने मारा आज अक्की पुलिस स्टेशन यहाँ पे है उस से बाहर उसका बाप का दूसरे दिन बोलने की मेरी बेटी नहीं है अरे तुम्हारी बेटी सियाना आ जाएगी डॉक्टर है कहाँ गया उस वक्त मर गया था पूरा पुलिस चला गया था जुलूस में नहीं गया यहाँ से मर आइलैंड तक ले जाने के लिए भी ना इंसान को बहुत लंबे रास्ते से गुजरना है कहाँ थे तुम लोग रोड पे नहीं हम न के पता जाते पुलिस आते तराफी पड़ा था कहीं ना कहीं पुलिस की हाँ है पुलिस की पूरी लापरवाही केस कैसा हल्का हुआ कैसा हल्का बनाया कि फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट में बोला जाएगा केस कुछ है ही नहीं कुछ है नहीं लड़की का बाप खुद मार दिया लड़की का बाप फंसा रहा है कोई बाप अपना बेटी का फंसाएगा मैं कोई बाप फंसा सकता है उनका कहना था शुरू में जो केस था उसमें ये कहना था कि आपने अपनी लड़की को मार दिया आप लोग यूपी बिहार वाले हैं ऊंचे कास्ट के हैं तो आपका होना रहता है कि मुस्लिम कास्ट के साथ आप नहीं जा सकते ऐसा थोड़ी होता है ठीक है मैं बोलती हूँ अगर मेरा बाप मैं गलत हूँ मेरा बाप ये सोचेगा कि मेरी बेटी गलत है इसको मैं मारने तक की अगर नौमत आएगी तो मेरा बाप क्या करेगा मुझे ले जाकर के शादी करवा देगा एक ऑप्शन बचता दूसरी ऑप्शन होगी मुझे मेरा बाप घर से बाहर नहीं निकलने घर में ही बन जाकर आप लोगों का यही कहना है कि जल्द से जल्द न्याय मिले जल्द न्याय मिले आईने की तरह साफ है ये केस आप बाकी लोगों को बढ़ावा दे रहे हो इस चीज में और कुछ नहीं हर बाकी लोग बढ़ावा दे रहे हो कैसे करते माँ लोग थोड़ी बेटी को छोड़ सकते हैं स्कूल जाने का इतना टाइम नहीं कि अपने आंदोलन में मौजूद तमाम आंदोलनकारियों से हमने बातचीत की महिलाएं पुरुष यंगस्टर सभी ने अपनी अपने अपने अलग अलग बयान दिए किसी ने नाराजगी व्यक्ति सरकार पर तो किसी ने पुलिस पर सबका कहना ये है कुल मिलाकर उनका कहना ये है कि जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिले और दोबारा ऐसा ना हो लेकिन इन सब के बीच एक सवाल उठता है कि बार बार एक स्लोगन दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन आखिरकार हमारे देश की बेटियां अपने आप को सुरक्षित कब महसूस करेंगी अभी के लिए इतना ही फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार।